हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस यार, आज हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर, क्योंकि कल जन्माष्टमी थी और वो आज बहुत सुंदर डेकोरेट है और वो राजेंद्र में। और यार हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे, क्या है, अंशिका बर्गर वाली पे। तो यार हम हम सोच रहे हैं पहले वहाँ चलते हैं अंशिका बर्गर, क्योंकि अभी लाइट वगैरह नहीं खुली हुई हाँ, तो है। यार हम लोग शाम को थोड़ा जाएंगे बांके बिहारी मंदिर, क्योंकि वो शाम को ही बहुत सुंदर डेकोरेशन जो है वो दिखेगी उसकी। और यार अंशिका बर्गर वाली का एक बहुत फेमस है कॉम्बो, 100 रुपीज़ का, वो ज़रूर ट्राई करेंगे हम लोग। तो चलिए चलते हैं। गाइस यार हम लोग इधर चर्च के पास खड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं ये चर्च है और यार पीछे अंशिका बर्गर वाली होती है। यार आज पता नहीं कहाँ है और उसका स्टॉल भी नहीं लगा हुआ है, तो यार यहाँ पे आना तो बहुत बेकार रहा। आप लोग चर्च देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। सो गाइस यार अब क्या करें, आदित्य बताओ। यार गाइस यहाँ पे अपना एक ये है द किंग ऑफ किंग बर्गर्स, यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं कैसे हैं बर्गर्स यहाँ के। वैसे मैंने ट्राई नहीं किया है, देखा है यहाँ पे, चलो आप खा के देखते हैं। क्यों, अभी हम लोग आ चुके हैं अक्षर विहार में, क्योंकि यार अभी द किंग ऑफ बर्गर्स से हमने, मतलब उनके जो ओनर है वहाँ उनसे बात की थी, तो वो बोल रहे थे कि उन्हें हाफ एन आवर लगेगा अभी पूरा सेटअप करने में, क्योंकि अभी ओपन हो रहा है। तो यार चलो आप लोग को दिखाते हैं हम अक्षर विहार। ये स्नेल्स हैं। हाँ, तो यार इसने इतने कॉन्फिडेंस से बताया जैसे हमें पता ही नहीं था। हाँ, तो मैंने इसे बताया था। सो गाइस यार आप लोग आगे, हम लोग दिखाते हैं आपको आगे एक बहुत बड़ी, क्या कहते हैं उसे, तालाब। अरे यार सुनने में, हाँ यहाँ पे, मतलब यार सुना है मैंने कि यहाँ पे नहाते भी थे पहले, क्यों, लेकिन बहुत ज़्यादा ये बहुत डीप है शायद, इसलिए इसमें डूब गए थे। और स्वान्स भी हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ये देखो। कितने प्यारे लग रहे हैं, तू समझ सकती है क्या बोल रहे हैं गाइस। तो यार आप लोग ने हमारा जन्माष्टमी ब्लॉग देखा होगा, तो यार नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखो, कल ही डाला है हम लोगों ने। और यार बताओ कैसा है वो ब्लॉग। और ये शायद रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट आ गया है भाई, देखो गाइस व्यू देख सकते हो आप लोग, क्या लग रहा है गाइस। तो ये अक्षर विहार जो है ये कैंट एरिया में है, मतलब आई थिंक कैंट में ही है। तो हम लोग कैंट तो काफ़ी बार घूम चुके हैं और व्लॉग भी आप लोग देख चुके होंगे हमारा कैंट वाला। भाई खड़ी हो गई फोटो खिंचवाने, दिखाओ तो जरा शक्ल तो दिखा दो। सो गाइस यार हम लोग चलते चलते आ गए हैं और ले आदित्य बच्ची बन गई भाई झूला देखते ही। यार कितने सारे झूले हैं यहाँ पर, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जा, क्या था वो, नहीं भूल गई यार, कितना आनंद आ रहा है भाई, मैं भी बैठ के देखता हूँ। वाओ, पता है मैंने एक वीडियो देखी है उसमें एक इंसान गिर गया था इस पर से, वो क्योंकि भारी था, मतलब उसका वेट ज्यादा था, समझ रहे हो, मेरा वेट नहीं बताऊंगा यार, ज्यादा नहीं है। आदित्य का ऐसे होगा 90 अप्रोक्स। सो गाइस यार बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना इस झील को देख के जैसे हम लोग नैनीताल आ चुके हैं। आओ आदित्य आओ, बस बहुत हो गया। अरे और भी राइड्स हैं अभी। अच्छा, ये वाओ, चढ़ने में क्या, बैक फ्लिप मार सकता हूँ। थैंक यू, तू 4 साल की आ जा। सो गाइस यार भैया कह रहे हैं 5 साल के बच्चों के लिए है और वो 20 साल की आंटी। 5, तू तो 6 की है ना, एक साल ज्यादा हो गया ना। यार ये देखो कितना एस्थेटिक सा लग रहा है। यार बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो हम लोग आ गए गन्ने के जूस पे, और यार ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पीते हैं। हाँ मज़ा आ गया भाई, एक्स्ट्रा बर्फ।
गाइस तो यार अब हम लोग यहाँ से चलते हैं द किंग ऑफ बर्गर्स पे। अब देखते हैं यार उनका स्टॉल ओपन हो गया होगा नहीं हो गया। नहीं हुआ होगा। तो यार आदित्य को मोमोज खाने हैं, तो पहले मोमोज खा लेते हैं फिर अपने किंग ऑफ बर्गर्स पे चलते हैं, वहाँ पे बर्गर्स ट्राई करते हैं। तो यार हम लोग अभी आ चुके हैं अनन्या फास्ट फूड एंड सूप्स पे, और यहाँ पे हम लोग ने, भैया एक प्लेट मोमो लगा दो। वेज खाएगी? पनीर, वेज पनीर, वो सॉरी वेज मोमोज दे दी। भाई बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ मैं। और यार यहाँ ये पूरा रास्ता आ गया। आदित्य कहाँ गायब हो रही हो? क्या छोटी गोल्ड बड़ी? आदित्य यहाँ पे मत पियो। भाई देखो कितनी अजीब सी बाइक है क्या। अरे अभी नहीं, बाद में पियेंगे, वीडियो के बाद। भाई हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं यार, बहन है यार आदित्य मेरी। भाई मोमोस यार, आप मोमो की फीलिंग देखो कितनी सही लग रहा है यार। ये देखो नमक थोड़ा तेज है, अच्छा लग रहा है। चटनी में नमक ज़्यादा है, ऐसे डिप करो चटनी में। प्याज रखा है यार, इतनी ज्यादा चटनी। चलो अब तो सीधे मिलते हैं आपको किंग ऑफ बर्गर्स पे। सो गाइस यार हम लोग आ चुके हैं द किंग ऑफ किंग बर्गर्स पर, और ये है इसकी मेन्यू। आदित्य क्या हो गया? सो गाइस यार ये मेन्यू देख रही है, और ये आ गया हमारा चर्च, ये सामने बटलर है, और ये पेट्रोल पंप। तो यार अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। भैया चीज़ बर्गर हो रहा है ना? ओके ओके। तो यार हम लोग ने चीज़ बर्गर ऑर्डर किया है अभी। यार ये इतना सेट क्यों हो गई, तो क्यों नहीं बोल रही है? मैं बोलती हूँ, हाँ अभी एक सेकंड लाए आप मुझे कैमरा दे। सो गाइस आप लोग देख रहे होंगे मैं पूरे व्लॉग में कुछ नहीं बोली आज, और उसका रीजन है ये लड़का। इसने मुझे इतना ज्यादा सुनाया इस बात पे कि तू कुछ मत बोला कर, तू बहुत क्रिंज बोलती है और ये और वो। इसलिए आज मैं पूरे व्लॉग में शांत रही हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बोलूँ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नहीं आप लोग खुद बताओ यार, ये थोड़ा कंफ्यूज रहती है बोलने से पहले। ये कहीं जाना होता कहते यार पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। हाँ। तो मैं बोलता हूँ जो बोलना है प्रॉपर बोलो यार। अभी हम लोगों ने कोई बात नहीं, अब उनके हाथ में है फैसला कि मैं बोलूं या कमेंट नहीं बोलूं। करके बताओ आदित्य और आदित्य। हाँ ठीक है, डन। सर अब मैं ट्रक में जा रहा हूँ, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑयल में क्या टिक्की टिक्की हो रही है ना। ओके तो फ्राई मोमोज हो रहे हैं और ये बर्गर बन है। हाँ मैम क्या चाहिए आपको? ये आपका बर्गर। ओके ये हमारा बर्गर हो रहा है। ये चीज़ है, चीज़। ओके एंड ये मायो। ऑलराइट ओके एंड ये केचप है, ग्रीन सॉस है। मायो वगैरह पड़ेगी दीदी? फर्स्ट टाइम खा रहे हैं हमारा बर्गर। हाँ जी हाँ जी। टिक्की के अंदर भी चीज़ होता है, ये जो बर्गर है ना। सो गाइस आप देख सकते हो इसकी फिलिंग जो है टिक्की की, इसमें भी चीज़ है। अब यार चीज़ बर्गर है और इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ है, तो यार मुझे लग रहा है बहुत ही मज़ा आने वाला है इसे खाने में। चीज़ आ गया, लिक्विड चीज़, लिक्विड चीज़ फिर से आ गया। आप लोग देख सकते हो यार चीज़ की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हो यार चीज़ की क्वांटिटी, पनीर भी है टिक्की भी है। गाइस तो आप चीज देख सकते हो यार, बहुत ज्यादा आइडिया होने वाला है मेरा भाई, बहुत ही मस्त। लेंथ देख सकते हैं आप कितना बड़ा भाई, लेंथ देख सकते हो आप 90 रुपीस में इतना बढ़िया बर्गर। और हम लोग अब टेस्ट करने वाले हैं इस बर्गर को। तो बर्गर आ गया यार, मेयोनीज आ गया फिर से इस पे, पूरा लोडेड बर्गर है यार ये तो, और चीज आ गया।
दबा के ऐसे खाना, खोला नहीं, टेढ़ा नहीं करना है, ठीक है भाई साहब। आप बर्गर की फिलिंग देख सकते हो यार, बड़ा ओ शिट भाई, फिलिंग देख रहे हो आप कितनी ज्यादा। यार आदित्य को देखो आप कितनी, कैसा है टेस्ट, कैसा है? अच्छा है यार, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैं, मेरे से रुका नहीं जा रहा, मैं खा के देखता हूँ। यार इतना चीज़ किया यार, मज़ा आ गया। आप लोग मेरा फेस देख सकते हो, नैपकिन भी आ गया। टेस्ट कैसा? बहुत ही ज़्यादा ऑसम टेस्ट है यार, बिल्कुल चीज़ से ना मुँह फिल हो गया यार। तो गाइस यार हम लोग आ चुके हैं बांके बिहारी मंदिर, और यार अब आप लोग को दिखाते हैं। सो गाइस यार अब हम लोग जा रहे हैं, चलते हैं। तो यार हमारी ये नींबू शिकंजी रेडी हो चुकी है। नींबू शिकन एक वो नींबू शिकंजी हो चुकी है रेडी। यार मेरे बिल्कुल, मेरा तो फुल हो चुका है, मतलब फुल भी नहीं हुआ है, बट मैं पीऊँगा ज़रूर। इसे पी के सुकून मिला, बहुत ज़्यादा मीठा पी लेता, मीठा ये भी है बट एक जो सिट्रस फ्लेवर होता है ना, एक खट्टा। मैं कह रही हूं बता दो, ऐसे अच्छी लग रही है, बर्फ आ रहा है। हां हां, सो गाइस यार आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और यार हमारा जो कल जन्माष्टमी वाला व्लॉग है उसे भी जाके लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल। बाय।